हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जैसा कि सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों के टाइम में सभी को कहीं ना कहीं रूम हीटर की जरूरत पड़ ही जाती है, तो आखिरकार जो हमारा रूम हीटर होता है वो किस तरीके से काम करता है, इस रूम हीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा रूम हीटर है वो किस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। तो देखिए, आपने मार्केट में बहुत सारे टाइप के रूम हीटर देखे होंगे, जैसा कि एक आपको ये दिख रहा है, ये तो ये एक हमारा रूम हीटर है जिसमें कि ये दो हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं। ठीक, ये जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ये वही एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ठीक, एक ये दूसरे टाइप का हीटर है। तो हीटर चाहे कोई भी टाइप का हो, चाहे ये एक अलग मॉडल है। एक ऐसा भी हीटर आता है जिसके अंदर की आपका ब्लोअर यानी फैन लगे हुए होते हैं और वो आपको आउटपुट में गर्म हवा फ्लो करता है जिससे कि रूम जो है पूरा गर्म हो जाता है। ठीक, तो आखिरकार इनके अंदर होता क्या है, तो इसी चीज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई एक हीटिंग एलिमेंट है। यहाँ पे जो शेप दिखाया गया, एक इस टाइप का शेप दिखाया गया है, ये जो आपने ये शेप देखे थे, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये हीटिंग एलिमेंट है। तो इसका जो हमारा एलिमेंट है यानी जो इसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप की होती है ऐसे, है ना, तो ये कौन सा मटेरियल होता है, ये मटेरियल हमारा होता है नाइक्रोम का। ठीक, ये हमारा होता है नाइक्रोम। अब क्या होता है कि जब इस नाइक्रोम के तार को हम एसी सप्लाई देते हैं, यानी जनरली हमारे घर में जो हीटर्स होते हैं उसको हम 220 वोल्ट वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे ही 220 वोल्ट एसी हम कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो किस तरीके से, तो देखिए H बराबर होता है हमारा I स्क्वायर R T। अब यहाँ पे I क्या है, ये I हमारा है करंट यानी धारा, ये R हमारा है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और जो टी है हमारा है टाइम। तो इस तरीके से अब जब हम किसी भी हीटिंग एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्लो कराते हैं तो वहां पर वो हीट इसी मात्रा में डेवलप होती है। कैसे, कि उस हीटिंग एलिमेंट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक, और इस रेजिस्टेंस की वजह से यानी धारा के मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो यहां पे क्या होता है, H जो है हमारा हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, यानी जितनी ज्यादा धारा यहां प्रवाह होगी उतना ही ज्यादा हीट यहां जनरेट होगा, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे R यानी रेजिस्टेंस के, यानी जितना ज्यादा इस हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध होगा उतनी ही धारा हमारी, इतनी ही हमारी ऊष्मा यहां पे उत्पन्न होगी। ठीक, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी टी है हमारा टाइम समय के, यानी जितनी ज्यादा देर तक हमारे यहाँ पे ये चीजें होंगी उतना ही हीट ज्यादा होगा। ठीक, तो ये चीज हमें पता चल गया कि किसी भी हीटिंग एलिमेंट का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा है और जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा हीट वहां पे जनरेट होगा। ठीक, तो यही एक फैक्ट है, यही एक वर्किंग प्रिंसिपल है हीटिंग एलिमेंट का, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यानी जब किसी भी हीटिंग एलिमेंट में हम एसी सप्लाई को फ्लो कराते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो है हीटिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हम बता देते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई को जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और आपका एक्सरे इफेक्ट्स होता है, तो इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो
इसमें से एक हीटिंग इफेक्ट भी एक हमारा इफेक्ट होता है, जिसका यूज हम हीटिंग एलिमेंट यानी घर में यूज होने वाले हीटर्स, चाहे वो रूम हीटर्स हो, चाहे वो घर में खाना बनाने वाला हीटर हो, चाहे वो इमर्जन यानी पानी गर्म करने वाला हीटर हो, इवन जो गीजर्स हैं वो सभी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो हमारा एक हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस तरीके से गर्म होता है और कितना गर्म होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ही होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।